नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए शुरुआत करेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों की। राजस्थान को इस बार केंद्रीय करों के हिस्से में मिलेगी ज्यादा हिस्सेदारी। दरअसल 73,504 करोड़ की राशि मिलेगी राजस्थान को इस बार केंद्रीय करों के हिस्से में। 7,948 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। पर्यटन स्थलों के विकास, ब्रांडिंग, मार्केटिंग के लिए ब्याज मुक्त कर्ज। पिछले वित्त वर्ष में केंद्रीय करों से 65,556 करोड़ रुपए मिले थे। राजस्थान के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए केंद्र बिना ब्याज का देगी कर्ज। अंतरिम बजट में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा की गई है, जिसमें जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए फंड उपलब्ध होगा और ये बड़ी बात है। पर्यटन की ब्रांडिंग, मार्केटिंग के लिए लॉन्ग टर्म कर्ज। राज्यों को आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर डेवलप करने के लिए मिलेगा लॉन्ग टर्म कर्ज और वैश्विक स्तर पर उनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए लॉन्ग टर्म कर्ज मिल सकेगा। टूरिज्म डिप्लोमेसी का बड़ा हब बन सकता है राजस्थान। दुनिया भर के टूरिस्ट और राष्ट्राध्यक्ष कर रहे हैं लगातार राजस्थान के पर्यटन स्थलों का दौरा। और देखिए, राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान कल से जनता के लिए खुलेगा, जिसका इंतजार जनता करती भी है। कल से वो इंतजार खत्म होने जा रहा है, क्योंकि कल से जनता के लिए खुल जाएगा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान। 2 फरवरी से 31 मार्च तक आम जन के लिए अमृत उद्यान खुलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्यान उत्सव 1 की शोभा बढ़ाई है। आपको बता दें कि 22 फरवरी को दिव्यांग और दृष्टि बाधितों के लिए उद्यान खुलेगा। 23 फरवरी को रक्षा, अर्धसैनिक, पुलिस बलों के कर्मियों के लिए खुलेगा 1 मार्च को। महिलाओं, आदिवासियों के लिए 1 मार्च को एसएचजी के लिए खुलेगा। तो वहीं 5 मार्च को अनाथालयों के बच्चों के लिए खुलेगा अमृत उद्यान। राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से होगा प्रवेश एवं निकास। सचिवालय मेट्रो स्टेशन से मिल सकेगी शटल सेवा लोगों को। तो लोगों के लिए खुशी की बात है ये, क्योंकि इसका इंतजार भी लोग काफी समय से करते हैं। अंदर का जो नजारा होता है बेहद मंत्रमुग्ध करने वाला होता है, क्योंकि चारों तरफ फूल ही फूल आपको दिखाई देते हैं, वो भी अलग अलग प्रजाति के। 2 फरवरी से 31 मार्च तक आमजन के लिए अमृत उद्यान खुल जाएगा और कैसी व्यवस्था रहेगी वो भी हम आपको बता रहे हैं। दरअसल 22 फरवरी को दिव्यांग और दृष्टि बाधितों के लिए उद्यान खुलेगा। इसके अलावा 23 फरवरी को रक्षा, अर्धसैनिक, पुलिस बलों के कर्मियों के लिए खुलेगा। 1 मार्च को महिलाओं, आदिवासियों, महिला एसएचजी के लिए खुलेगा उद्यान। 5 मार्च को अनाथालयों के बच्चों के लिए खुलेगा अमृत उद्यान। राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से होगा प्रवेश और निकास भी, यानी कि एंट्री और एग्जिट गेट नंबर 35 से होगा। सचिवालय मेट्रो स्टेशन से शटल सेवा मिल सकेगी। और देखिए, भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या का कायाकल्प पिछले 3 वर्षों से साज सज्जा की मुद्रा में है। अयोध्या नगरी, अयोध्या में 36 नए होटल, 600 होम स्टे, 1 दर्जन तंबू, शहर और ये भौतिक परिवर्तन नहीं, हिंदू मन की वास्तुकला का पुनर्लेखन है। काया पलट का केंद्र बिंदु है 70 एकड़ में फैला मंदिर परिसर, जिसका हाल ही में आपने देखा किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा रामलला की हुई। हर दिन की संख्या की बात करें तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए। 4 प्रमुख सड़कें रामपथ, धर्मपथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ है। लखनऊ गोरखपुर हाईवे के दोनों तरफ चल रहे हैं विकास कार्य और यहां बन रही है 1,407 एकड़ की ग्रीन फील्ड टाउनशिप भी। 2011 में अयोध्या की जनसंख्या थी 55,890, अभी भी 80,000 से कम ही होगी अयोध्या की जनसंख्या। आने वाले दिनों में जनसंख्या कई गुना बढ़ने की संभावना है। तो देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के बाद, भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद किस तरीके से श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। पिछले 3 वर्षों से साज सज्जा की मुद्रा में अयोध्या नगरी है और पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या को आप देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर आपको नजर आएगा। एक तरफ श्रद्धालु पहुंचते हैं बड़ी संख्या में रामलला के दर्शन के लिए, तो दूसरी तरफ जो कारोबारी हैं उनके व्यापार को भी पंख लग रहे हैं। अयोध्या में 36 नए होटल, 600 होम स्टे, 1 दर्जन तंबू शहर हैं। तो वहीं भौतिक परिवर्तन नहीं बल्कि हिंदू मन की वास्तुकला का पुनर्लेखन भी है। कायापलट का केंद्र बिंदु है 70 एकड़ में फैला मंदिर परिसर। 4 प्रमुख सड़कें जो रामपथ है, धर्मपथ है, भक्ति पथ है, जन्मभूमि पथ है,
लखनऊ गोरखपुर हाईवे के दोनों तरफ चल रहे हैं विकास के कार्य, क्योंकि यहीं तक ही सीमित नहीं है बल्कि आगे भी कार्य चलता रहेगा। क्योंकि एक तरफ तो भावनाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही साथ अगर विकास के लिहाज से देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पर्यटन को कैसे वहां पर बढ़ावा मिले इसको लेकर योगी सरकार पहले से ही प्लान बना रही थी, कार्य भी कर रही थी। लेकिन जैसे ही राम मंदिर का निर्माण हुआ, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके लिए सुविधाएं कैसे डेवलप हो पाए इसको लेकर भी प्लान पर कार्य किया जा रहा है। और यहाँ जो बन रही है 1407 एकड़ की ग्रीन फील्ड टाउनशिप, 2011 में अयोध्या की जनसंख्या की अगर बात की जाए तो 55,890 थी, लेकिन अभी भी 80,000 से कम ही होगी अयोध्या की जनसंख्या, क्योंकि आगे आने वाले दिनों की बात की जाए तो आगे आने वाले दिनों में जनसंख्या कई गुना बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। जयपुर के JECC में सतरंगी स्टोन की बड़ी प्रदर्शनी जो कि आकर्षण का केंद्र है, सीएम मजल्लाल शर्मा ने इंडिया स्टोन मार्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मजल्लाल शर्मा ने कहा, पिछले 20 सालों से इंडिया स्टोन मार्ट जैसे आयोजनों से बढ़ावा मिलेगा, राजस्थान में निवेश और पत्थर के कारोबार में तेजी देखने को मिली है। ग्रेनाइट के मार्केटिंग पर जोर देते हुए बोले हैं मुख्यमंत्री मजल्लाल शर्मा, कहा है कि राजस्थान में पत्थर और खनिज का खनन करना और इससे संबंधित उद्योग लगाने वाले निवेशकों को सरकार हर संभव सहायता करेगी। निवेशकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को और सुगम बनाया जाएगा ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानियों से उलझना नहीं पड़े। हाल ही में अयोध्या में निर्मित राम मंदिर में भी राजस्थान के पत्थर हस्तशिल्पियों के कारण राजस्थान की विरासत वहां पर देखने को मिली है। पत्थर उद्योग से निकलने वाली स्लरी का भी उपयोग किया जाएगा, इससे स्टोन इंडस्ट्री से होने वाले पॉल्यूशन में भी कमी देखने को मिलेगी। देश विदेश से आए हुए निवेशक सुझाव भी दें ताकि मिलकर कार्य किया जा सके। तो मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया प्रदर्शनी का, लेकिन साथ ही साथ जब उनका संबोधन हुआ तो अहम बातें मुख्यमंत्री ने की। JECC में सतरंगी स्टोन की बड़ी प्रदर्शनी लगाई गई है, उद्घाटन मुख्यमंत्री ने कर दिया है और कार्यक्रम को संबोधित भी किया गया और बड़ी बातें ये कही गई हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों से इंडिया स्टोन मार्ट जैसे आयोजनों से बढ़ावा मिलेगा और राजस्थान में निवेश और पत्थर के कारोबार में तेजी देखने को मिली है, जिसे अब आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। ग्रेनाइट के मार्केटिंग पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि राजस्थान में पत्थर और खनिज का खनन करना और इससे संबंधित उद्योग लगाने वाले निवेशकों को सरकार हर संभव सहायता करेगी। निवेशकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को और भी ज्यादा सुगम बनाया जाएगा जिससे कि उन्हें अनावश्यक परेशानियों से उलझना नहीं पड़े। हाल ही में अयोध्या में निर्मित राम मंदिर में भी आपने देखा था कि राजस्थान के पत्थर हस्तशिल्पियों के कारण राजस्थान की विरासत वहां पर देखने को मिली है। पत्थर उद्योग से निकलने वाली स्लरी का भी उपयोग किया जाएगा, वेस्ट कुछ भी नहीं जाएगा, इससे स्टोन इंडस्ट्री से होने वाले पॉल्यूशन में भी कमी देखने को मिलेगी। देश विदेश से आए हुए निवेशक सुझाव भी दें जिससे कि मिलकर सभी कार्य कर सके। और देखिए, अब 24 घंटे में जारी होंगे बिजली के नए कनेक्शन। दरअसल प्रदेश में के बिजली उपभोक्ताओं के लिए ये राहत भरी खबर है। दिल्ली में आयोजित RPM की बैठक के बाद बड़ा फरमान जारी किया गया। राजस्थान डिस्कॉम चेयरमैन भानु प्रकाश एटरू के निर्देश पर फरमान जारी किया गया। घरेलू श्रेणी के वे कनेक्शन जिसमें सिर्फ सर्विस लाइन की दरकार है, ऐसे सभी कनेक्शन आवेदन के 24 घंटे के भीतर करने होंगे जारी। जिला मुख्यालयों के सभी बिजली दफ्तरों में आज लागू किया गया है नियम। सभी अभियंताओं को आदेश की सख्ती से पालना करने के निर्देश तो दे दिए गए हैं, लेकिन क्रियान्वयन किस तरीके से होगा ये काफी बड़ी चुनौती भी हो सकती है, क्योंकि मटेरियल सिस्टम बेहतर करना होगा। जब जो जरूरत हो वो अगर उपलब्ध हो जाए तो जिस तरीके से टारगेट लेकर चला जा रहा है वो टारगेट भी पूरा होगा 100%। अब 24 घंटे में जारी हो पाएंगे बिजली के नए कनेक्शन और प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर वाकई में है, क्योंकि बैठकें भी लगातार चल रही थी। आपने देखा था मुख्यमंत्री भी बैठक कर रहे थे और साथ ही साथ CS की तरफ से भी डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई। लेकिन दिल्ली में आयोजित RPM की बैठक के बाद जो बड़ा फरमान जारी हुआ है, राजस्थान डिस्कॉम चेयरमैन भानु प्रकाश एटरू के निर्देश पर यह फरमान जारी हुआ है। घरेलू श्रेणी के वे कनेक्शन जिसमें सिर्फ सर्विस लाइन की दरकार है, ऐसे सभी कनेक्शन आवेदन के 24 घंटे के भीतर जारी करने होंगे। जिला मुख्यालयों के सभी बिजली दफ्तरों में आज लागू किया गया ये नियम और सभी अभियंताओं को आदेश की सख्ती से पालना के निर्देश भी दे दिए गए। और देखिए, छत पर सोलर लगाने वाले उपभोक्ताओं की बल्ले बल्ले होने वाली है। रूफटॉप सोलर उपभोक्ताओं को अब मिलेगा बिजली के ज्यादा दाम।
ऐसे उपभोक्ताओं की सरप्लस सोलर बिजली की दर में 54 पैसे की बढ़ोतरी। अब डिस्कॉम 2.71 रुपए प्रति यूनिट में खरीदेगा उपभोक्ता से सरप्लस बिजली, जबकि अभी 2.17 रुपए प्रति यूनिट में खरीदी जा रही थी सोलर की सरप्लस बिजली। बिजली कंपनियों ने RERC के निर्देश के क्रियान्वयन में आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल रूफटॉप सोलर की सरप्लस बिजली की दर के लिए प्रावधान किया गया है। सोलर के बड़े प्रोजेक्ट के लिए आने वाली कॉम्पिटिटिव बिडिंग की दर लागू होती है, लेकिन RESC ने रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अहम फैसला ये किया है। कॉम्पिटिटिव बिडिंग दर पर 25% अतिरिक्त दर को सरप्लस बिजली के लिए मान्य किया गया है। राजस्थान डिस्कॉम के फरमान से रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट में जबरदस्त बूम की उम्मीद भी जताई जा रही है, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो छत पर सोलर लगाने वाले उपभोक्ता हैं उनकी बल्ले बल्ले होने जा रही है। रूफटॉप सोलर उपभोक्ताओं को बिजली के ज्यादा दाम मिलेंगे, बचत हो पाएगी उपभोक्ताओं को। ऐसे उपभोक्ताओं की सरप्लस सोलर बिजली की दर में 54 पैसे की बढ़ोतरी होगी। अब डिस्कॉम 2.71 रुपए प्रति यूनिट में खरीदेगा उपभोक्ता से सरप्लस बिजली, जबकि अभी की अगर बात की जाए तो 2.17 रुपए यूनिट में सोलर की सरप्लस बिजली खरीदी जा रही थी। बिजली कंपनियों ने RERC के निर्देश के क्रियान्वयन के आदेश भी जारी कर दिए हैं। अब दरअसल रूफटॉप सोलर की सरप्लस बिजली की दर के लिए प्रावधान जो किया गया है, सोलर के बड़े प्रोजेक्ट के लिए आने वाली कॉम्पिटिटिव बिडिंग की दर लागू होती है, लेकिन RERC ने रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए के उद्देश्य से यह अहम फैसला किया है। कॉम्पिटिटिव बिडिंग दर पर 25% अतिरिक्त दर को सरप्लस बिजली के लिए मान्य किया गया है। राजस्थान डिस्कॉम के फरमान से रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट में जबरदस्त बूम की उम्मीद अब जताई जा रही है। राजस्थान में लगातार कम हो रही है गोडावण की संख्या। दरअसल थार के रेगिस्तान में रहने वाला सबसे बड़ा पक्षी है गोडावण, जिसकी संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है। हालांकि इनके संरक्षण का प्रयास भी किया जाता रहा है। 2018 की गणना में गोडावण रह गए थे 150 से भी कम। 20 से 22 साल पहले राजस्थान में इनकी जो संख्या थी वो 600 से ज्यादा थी। 1981-82 में वन्यजीव अधिनियम के तहत किए गए उपाय, लेकिन जैसलमेर बाड़मेर जिले के 3162 वर्ग किलोमीटर में डेजर्ट पार्क बना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है। सौर और पवन ऊर्जा के कई प्लांट, बिजली की हाई टेंशन लाइनों से टकराने के कारण पक्षियों की मौत हो जाती है। हर साल गोडावण ही नहीं बल्कि करीब 88,000 पक्षियों की मौत हो जाती है। सीमा पार पाकिस्तान चले गए हैं कई गोडावण। संकटग्रस्त प्रजातियों में प्रथम श्रेणी में गोडावण शामिल है, लेकिन इनकी जो संख्या लगातार कम हो रही है वो चिंता का विषय है। थार के रेगिस्तान में रहने वाला ये सबसे बड़ा पक्षी है। 2018 की गणना में गोडावण रह गए थे सिर्फ 150 से भी कम। 20 से 22 साल पहले की अगर बात कर ले तो आप देखेंगे कि राजस्थान में इनकी जो संख्या थी वो 600 से ज्यादा थी, लेकिन समय जैसे जैसे बीतता गया, घटनाएं जैसे जैसे घटित होती गई, वैसे वैसे 2018 की गणना के मुताबिक गोडावण की जो संख्या रह गई वो 150 से भी कम रह गई। 1981-82 में वन्यजीव अधिनियम के तहत कई उपाय भी किए गए। जैसलमेर बाड़मेर जिले के 3162 वर्ग किलोमीटर में दरअसल डेजर्ट पार्क बना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है। सौर और पवन ऊर्जा के कई प्लांट, बिजली की हाईटेंशन लाइनें यहाँ पर है, जिस वजह से कई बार घटनाएं हो जाती हैं और पक्षियों की मौत हो जाती है। हाईटेंशन लाइनों से टकराने की वजह से पक्षियों की मौत हो जाती है। हर साल गोडावण ही नहीं बल्कि आप देखेंगे तो करीब 88,000 पक्षियों की मौत हो जाती है। सीमा पार पाकिस्तान चले गए हैं गोडावण, और संकटग्रस्त प्रजातियों में प्रथम श्रेणी में शामिल है ये गोडावण। और देखिए, बसपा प्रमुख मायावती की अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा हालांकि वो पहले ही कर चुकी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बसपा के 10 सांसदों के अलग अलग सुर सुनाई दे रहे हैं। हालांकि वो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि कई तो ऐसे भी हैं जो पारा तक बदल चुके हैं, और कई ऐसे भी हैं जो भीतर ही भीतर अपने जुगाड़ लगाते फिरते हैं, अन्य पार्टियों से बातचीत करते रहते हैं। और यही वजह है कि हमने कई बार देखा कि मायावती ने एक्शन भी लिया है, पार्टी से बाहर तक निकाल दिया है। कांग्रेस से मेलजोल के कारण सांसद दानिश अली पार्टी से बाहर हैं। यूपी के अमरोहा से बसपा सांसद हैं दानिश अली। जौनपुर सांसद श्याम सिंह यादव करते हैं भाजपा की तारीफ। बिजनौर सांसद मलूक नागर ने की थी बजट की तारीफ। आपको बता दें कि श्रावस्ती सांसद राम श्रोमणी वर्मा की अपना दल से नजदीकी, पीएम मोदी से मुलाकात कर चुकी हैं लालगंज सांसद संगीता यादव।
सपा से नजदीकी दिखा चुके हैं अफजाल अंसारी, रितेश पांडे, गाजीपुर के सांसद अंसारी डॉक्टर अंबेडकर नगर के सांसद रितेश पांडे। बसपा के मौजूदा सांसदों की जगह नए उम्मीदवारों की तलाश है और ये भी आपको बताएं कि इसी के तहत सहारनपुर सांसद हाजी फजलुर रहमान बर्क नजरअंदाज है। माजिद अली सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी घोषित कर दिए गए हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो अन्य पार्टियों का दामन थामते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अमूमन देखते हैं कि चुनाव से पहले इधर से उधर करते हुए लोग नजर आते हैं। बसपा पहले ये कह चुकी है कि हम लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे, एकला चलो की राह पर बहुजन समाज पार्टी चल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बसपा के जो 10 सांसद हैं उनके सुर अलग अलग नजर आ रहे हैं, बदले बदले नजर आ रहे हैं। कोई कांग्रेस से मेलजोल की कोशिश कर रहा है, तो कोई भाजपा में जाने की फिराक में है, तो कोई अन्य पार्टियों से संबंध आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कई नाम शामिल है। अब ऐसे में जैसे समय गुजरेगा, चुनाव नजदीक आएंगे, अब देखना ये होगा कि कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं बहुजन समाज पार्टी के जो अन्य दलों का दामन थामते हुए हम देखेंगे।